नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं बोल के सेक्शन आप लोग के साथ। आइए घर डालते हैं दौसा जिले की। आप बता देखिए, दौसा जिले में कल रात्रि में एक बार फिर टिड्डी दल का आतंक देखने को मिला। दौसा जिले के विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों टिड्डियों के आतंक से जहां किसान परेशान बने हुए हैं, वही कृषि विभाग के भी टिड्डियों ने आतंक नींद उड़ा रखी है। उपखंड क्षेत्र में लगातार हो रहे टिड्डियों के हमले से अब हालात बदतर होने लगे हैं। एक बार उपखंड के डीडवाना क्षेत्र में बीती रात्रि को टिड्डी दल ने पड़ाव डाल दिया। डीडवाना क्षेत्र की करीब आधा दर्जन ढाणियों में टिड्डी दल के डेरा जमाने के बाद पूरी रात भर ग्रामीणों में हड़कंप मचा रहा और ग्रामीण महिला पुरुष व बच्चे पूरी रात खाना पीना व सोना भूलकर खेतों में खड़े रहकर बर्तन ढोल व पीपे बजाते हुए टिड्डियों को भगाते हुए नजर आए। आज सुबह भी टिड्डियों का दल लालसोट गैस गोदाम के ऊपर से विचरण करता हुआ देखा गया। इस दौरान कृषि विभाग की टीमों ने भी कीटनाशक का छिड़काव करते हुए टिड्डियों को मारने का प्रयास किया, लेकिन 30-40% टिड्डी ही दल काबू पाया जा सकता। गुरुवार सुबह 7 बजे बाद एक बार दोबारा टिड्डी दल ने उड़ान भरना शुरू कर दिया और यह दल वापस आंतरी क्षेत्र के गोल व कोटकिया गांवों से होते हुए सवाई जिले में भी प्रवेश कर गया, जिसके बाद से ही कृषि विभाग के अधिकारियों ने थोड़ी राहत की सांस ली। वहीं दूसरी ओर किसानों को कोविड-19 के बाद आसमानी आफत का मुकाबला करना पड़ रहा है। किसान दोहरी मार के चलते अपनी उजड़ती खेती को लेकर चिंतित भी बने हुए हैं। आज दौसा जिले के ग्राम पंचायत डिडवाना, तहसील लालसोट, डिडवाना ग्राम के लगभग एक दर्जन ढाणियों में टिड्डी का पड़ाव था, जिसका अभियान चलाया गया, जिसमें फायर ब्रिगेड भी मोर्टर माउंटेड स्प्रेयर थे। इनके तहत टिड्डी का काफ़ी हद तक लगभग हमने जो टिड्डी का था यहाँ लगभग 60% का हमने उसका कंट्रोल किया है। और बाकी दौसा ज़िले में अधिकतम ये अब लगभग ये 22वीं-23वीं बार टिड्डी बैठी है, तो बराबर ये इसका अभियान चलाया जा रहा है और इसको नियंत्रित किया जा रहा है। जो टिड्डी का जो जिला कंट्रोल रूम है वहाँ से हमें सूचना मिली, शाम को लगभग 6:30 बजे करीब टिड्डियों का दल लालसोट जो ब्लॉक है यहाँ पर एंट्री हुआ। ये इसकी लास्ट हमने लोकेशन ट्रेस करी तो ये स्टेबल की पोजीशन पे डिडवाना गांव के अंदर पाया गया। यहाँ की कुछ ढाणियाँ हैं, डाबर की ढाणी है और इसके आसपास की ढाणियाँ हैं, रेगरो की ढाणी, यहाँ पर टिड्डी दल पाया गया। रात भर हम लोगों ने 12 बजे ऑपरेशन चालू किया। इसके अंदर एक हमारे पास जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी, 10 ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर थे, बाकी कृषि विभाग की पूरी टीम ने यहाँ पर इसका नियंत्रण किया। जहाँ तक हम अनुमान लगा रहे हैं लगभग 30-40% हम लोगों ने टिड्डियों का नियंत्रण कर पाए। और लोकस जो LWO की जो गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पर अब लगातार काम कर रही है और लगभग 9 बजे तक वो काम करेंगी, उनके द्वारा भी नियंत्रण लगातार जारी है। इस खबर का सत्ता ही देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।